हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोगों को अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलना पड़ता है जहाँ पर हम लोग कहते हैं, केवल कहने के लिए आप एक डॉक्टर हैं, केवल कहने के लिए वो मेरे पापा हैं, केवल कहने के लिए तुम उसके भाई हो, केवल कहने के लिए वो तुम्हारा दोस्त है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किसी स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एंड स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि केवल कहने के लिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जस्ट सो कॉल्ड। यहाँ पर केवल के लिए जस्ट का यूज करेंगे और कहने के लिए सो कॉल्ड फ्रेज का यूज करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट बोलना चाहते हैं उसको बोलिए। उसके बाद सेकेंड नंबर में लगाना पड़ेगा इज, एम, आर। यदि सेंटेंस पास्ट में बोलना चाह रहे हैं तो आप वॉज या वर में से कोई एक लगाइए। फ्यूचर में यूज कर सकते हैं शैल बी या विल बी लगा के। उसके बाद आपको राइट करना पड़ेगा जस्ट, और जस्ट को लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे अगर मेरा तो माय, तुम्हारा तो योर, उसका तो हीज, अगर लड़की रहेगी तो हर, उन लोगों का तो दियर, अगर किसी नाम का रहेगा राम का तो राम्स, सीता का तो सीताज, एपोस्ट्रोफे का यूज कर लेंगे। उसके बाद लगाएंगे सो कॉल्ड, और सो कॉल्ड को राइट करने के बाद जो भी आप बताना चाहते हैं अदर वर्ड्स को राइट कर दीजिए लास्ट में। इसको और भी बेटर तरीके समझते हैं उसके लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर में माय, योर, आई, वो नहीं भी आ सकता, आपको सेंटेंसेस से और भी क्लियर होगा। तो आज का पहला सेंटेंस है, केवल कहने के लिए वो तुम्हारा दोस्त है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही जस्ट योर सो कॉल्ड फ्रेंड, ही जस्ट योर सो कॉल्ड फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, केवल कहने के लिए तुम मेरे भाई हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू आर जस्ट माई सो कॉल्ड ब्रदर, यू आर जस्ट माई सो कॉल्ड ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस, केवल कहने के लिए वो मेरे पापा हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज जस्ट माई सो कॉल्ड फादर, ही इज जस्ट माई सो कॉल्ड फादर। नेक्स्ट सेंटेंस, केवल कहने के लिए आप एक डॉक्टर हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू आर अ जस्ट सो कॉल्ड डॉक्टर, यू आर अ जस्ट सो कॉल्ड डॉक्टर। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश देता हूँ, उसको ट्रांसलेट करके डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी, लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट कर लें ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, टेक योर सेल्फ, बाय बाय।